हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरयूसी क्लासेज। यूपी टीजीटी परीक्षा को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ ने जो है कई सोल्वर दबोचे हैं। इन सोल्वर में एक महिला अभ्यर्थी भी शामिल रही है जो कि नकल कराने के लिए 2 से 5 लाख तक लिया करती थी। आइए इसके विषय में हम बात करते हैं। कहाँ का ये नोटिफिकेशन है? जौनपुर, कान में डिवाइस लगा नकल करते पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी। महिला जो है कान में डिवाइस लगा रखी थी और उसके माध्यम से नकल कर रही थी। टीजीटी में ब्लूटूथ की मदद से नकल कर रही महिला अभ्यर्थी को शनिवार को जौनपुर के TDPG कॉलेज से पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने कान में लगे ब्लूटूथ के बारे में बताया। नकल कर रही थी, जब परीक्षा ख़त्म होने वाली थी तब ये महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई। टीचर ने इसके कान में सिग्नल देख लिया था, मतलब जो रेड सिग्नल जलता है लाइट का, उसको देख लिया था। इसके माध्यम से वह सोल्वर के जरिए प्रश्न कर रही थी जो उसने डिवाइस लगा रखा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर रैकेट से जुड़े कई लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि महिला परीक्षार्थी के जरिए बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो यूपी टीजीटी की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें बड़ी मात्रा में नकल चल रही है, कई जो है गिरोह पकड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।